राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है बीकानेर की शेरणी के ऊपर होगी। बीकानेर की शेरणी का एक और वीडियो वायरल हो चुका है और वे जो है पुलिस की गिरफ्त में जो है आ चुकी हैं सोशल मीडिया पर। वो बीकानेर प्रधान आ बीकानेर की शेरणी और आ बीकानेरी गर्ल बोल बोल कर फेमस हुई। बीकानेर की 21 वर्षीय युवती मोनिका राजपुरोहित का नाम जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने शरीर की जांच करवाने की भी मांग कर रही है। बीकानेर की शेरणी का यह वीडियो अफीम वाले वीडियो के बाद आया है। ये वीडियो गाय के सामने बैठकर बनाया है जिसमें बीकानेर की शेरणी गाय को खिलाने वाला गुड़ दिखाते हुए बता रही है कि उसने यह गुड़ खाकर वीडियो बनाया था, जबकि इस गुड़ को लोग अफीम बताकर जो है झूठा बताकर उसको जो फंसा रहे हैं। इस वीडियो में जो है मोनिका राजपुरोहितिया भी कह रही है कि मोहित सोनी मैम का सहारा लेकर उसे टारगेट कर रहा है, यह गलत है। हमारे शरीर और जो इस गुड़ की जांच की जाए ताकि सच्चाई जो सबके सामने आ जाए। उधर बीकानेर की जो है एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि पिछले दिनों मोनिका राजपुरोहित का अफीम खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए दबिश दी गई तो वहाँ से 200 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। इस पर जो है मोनिका राजपुरोहित को अरेस्ट कर उनके खिलाफ NDPS का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि मोनिका को तुरंत जमानत पर छोड़ दिया गया था। उल्लेखनीय है कि बीकानेर की शेरणी और मोनिका राजपुरोहित बीकानेर के जो है जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस थाना इलाके के बजरंगपुरी वल्लभ गार्डन की रहने वाली हैं। उनकी छोटी बहन का नाम बीकानेरी गर्ल करिश्मा राजपुरोहित है। पुलिस थाने से छूट कर आई मोनिका राजपुरोहित ने फूट फूट कर रोते हुए वीडियो बनाया जिसमें वे कहते हैं कि पुलिस ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। इसके दोनों मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। मोनिका किसी पर भी यह आरोप लगा रही थी कि उसे धमकी देकर ये वीडियो बनवाया गया था। असल में जो है ये पूरी केस की जो है अभी जांच बाकी है, जो भी होगा वो जो आपके सामने आ जाएगा। वीडियो आपको जैसी भी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।